नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? ठीक ठाक हो? अच्छा चल रहा है? फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, उसमें आपको वीडियो दिखाई दिया होगा, ठीक है, सब कुछ। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट की। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पहले फर्स्ट पार्ट देखें, फिर सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जितना क्लियर होगा सेकंड पार्ट उतना ही क्लियर होगा। आज जो बात करने वाले हैं हम, परसेंटेज कौन सा, ठीक है। सबसे पहले आपके बारे में, मैं अपने बारे में आपको बता दूँ कि लक्षण एजुकेशन की तरफ से मैं हनु सर, और टॉपिक है हमारा परसेंटेज। कौन सा टॉपिक है? परसेंट। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, मजा आ जाएगी एकदम बेहतरीन वाला। चल चलते हैं सेकंड पार्ट पर, और इसका टाइप जो हमारा हुआ था सबसे फर्स्ट पार्ट में, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, सेकंड पार्ट में देते हैं आज। तो टॉपिक पर आते हैं, इधर उधर की बातें छोड़ के पॉइंट पर आते हैं। दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। यदि आपसे बोला जाए कि 20% लॉस हुआ है, ये बात है मैंने तब भी बताई थी, ये बात है मैं अभी भी बताऊंगा आपको कि 20% लॉस हुआ है, यानी 20% की हानि का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 20% की हानि का मतलब होगा आपका कि 80% के ऊपर, ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर, मात्र एक मिनट भी नहीं बोलूँगा। यदि आपसे दिया आपका 20% प्रॉफिट आपको दिया है, तो हमें नहीं पता ये मामला कितना बनेगा। यदि आपसे 20% लाभ की बात की है कि 20% लाभ होगा, तो हमें नहीं पता ये कितना होगा, पर इतना पक्का पता है कि ये जो होगा वो कितना होगा, वहाँ 120%। परसेंटेज जब जब गायब होगा, जहाँ जहाँ से गायब होगा वहाँ कौन आएगा नीचे? 100। इतनी सी बात है, आप याद रखें, और ज़्यादा बात याद रखने की आपको कोई ज़रूरत है भी नहीं, और ना ही आप याद रखना। बहुत अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे। देखो यहाँ पर दिया परसेंटेज गायब होगा, नीचे कौन आएगा? 100। अब हम बातें करने वाले हैं कौन सा, जो हमने पार्ट सेकंड का हमने बोला था, ठीक है। आगे बड़ा अच्छा टाइप है, नेक्स्ट टाइप। टाइप क्या है? ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो ये बातें ना जानता हो। अगर मान लिया जाए एक पल के लिए आपसे कुछ ऐसी बातें की जाए, जैसे आपसे बोला जाए कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दाल है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दाल है, और यदि आपसे बोला जाए, बारिश हो रही है, टेंशन मत लेना, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बढ़िया मौसम का आनंद लो, आराम से बढ़िया से मौसम का मजा लो खूब अच्छे से, ठीक है ना? बारिश हो रही है, हम भी ठीक है, वीडियो तो हम रोक नहीं सकते ना, अच्छे से चलने दो इसको अच्छे। 20%, अगर आपसे बोला जाए 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दाल को यदि आप एक महीने में 30 किलोग्राम खाते हो, सिंपल सा फंडा, बिल्कुल सिंपल रेट है इसका 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और हम कितना एक महीने में कितना दाल खाते हैं? 30 किलोग्राम। तो हम क्या कहेंगे? ये जो दिख रहा है आपको, वो आपको दिख रहा होगा रेट, दिख रहा है इसका रेट, इसको कहते हैं हम लोग पी प्राइस, पता है ना ये बात है सब कुछ। और ये जो दिख रहा है वो आपकी क्वांटिटी है, मात्रा है, यानी एक शब्द में हम 20 रुपये प्रति किलो। आप कहें कि आपका खर्च कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? खर्च क्या होगा? हम कहेंगे कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दाल है, और कितना किलोग्राम खाया है? 30। तो हम कहेंगे कि 600 रुपये आपका खर्च होगा। अगर हम बात करें कि एक्सपेंस की बात करें कि एक्सपेंस आपका क्या आया, तो सिंपल सा फंडा है, एक्सपेंस की बात करें हम कि एक्सपेंस क्या होगा, तो खर्च होता क्या है कि यहाँ पर हमने देखा कि कीमत इसकी क्या थी, कीमत क्या है, और इसका मात्रा कितनी थी, ये जो आपने किया है पापा 30 किलोग्राम मात्रा ही तो होगा, और क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर हम कहेंगे ये आपका प्राइस हुआ, और ये आपका क्या क्वांटिटी हुई। एक बात समझ में आती है कि एक्सपेंस इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब देखें तो कभी कभी मामला क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी देखेंगे बातें, हमारा एक एक्सपेंस ही रहेगा और क्वांटिटी कहाँ आ गया आपका? नीचे आ गया। गलती से एक कॉन्स्टेंट है, जैसे कई बार आपसे बोलता है कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसके खर्च में कोई बदलाव ना हो, खर्च में कोई बदलाव ना हो, इसीलिए हमने इसे कॉन्स्टेंट वैल्यू बना दिया। हमने कहा एक कॉन्स्टेंट हुआ, अगर एक कॉन्स्टेंट हुआ तो आपको पता है कि पी का और इसका जो रिलेशन होगा वो किस तरह, इस तरह से होगा, पी का और क्यू का रिलेशन इस तरह से होगा। हम कह सकते हैं अगर पी का 2:3 है, पी हमारा यानी प्राइस हमारे 2:3 में, तो क्वान्टिटी जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपका 3:2 में, 3:2 में। और यदि आपका आगे चल के वो बोलेगा, जब जब आपका उसने बोला एक्सपेंस में कोई बदलाव ना हो, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, उस केस में आपका जो आपका एक्सपेंस रहेगा फिक्स, यानी प्राइस का और क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से होगा, इसलिए हमेशा रेशियो में क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पर, इसी को देखते हो सबसे पहले क्वेश्चन आपने, अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम आते हैं। देखो चलो ये बातें सब ले लिया क्या, तो एक बात याद रखना, एक्सपेंस क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी खर्च क्या होता है? आपका कीमत कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। अगर गलती से अगर आपसे बोल दिया, अगर उसने बोला है कि खर्च, अगर आपसे ये बोला जाए कि खर्च में कोई बदलाव हुआ है, खर्च में कोई बदलाव हुआ है, तो बेस हमेशा कहाँ बचता है आपका, याद रखना बेस कहाँ रहता है हमेशा, नीचे। अगर उसने कहा कि खर्च में 20% की वृद्धि हुई है, तो हम क्या कहेंगे, पहले जो 100 हुआ करता था, 100 से कितना हो गया, 120।
अगर उसने बोला प्राइस में बढ़ गया 20% की वृद्धि, तो पहले आपका प्राइस कितना था 100, 100 से कितना हो जाएगा 120। अगर आपने कहा कि खपत यानी क्वांटिटी कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन खपत क्या होगा आपका, कुछ ना कुछ तो खाओगे, हवा तो खाओगे नहीं, दूध खाओगे या कुछ खाओगे, कुछ ना कुछ मात्रा दाल खाओगे। उसने कहा 10% की कमी कर दिया, उसने कहा खपत में 10% की कमी, तो हम कहेंगे पहले ये 100 हुआ करता था तो 90, वृद्धि हो गई तो 110। इतनी बातें याद रखो, बाकी कोई बात याद ना आपको रखना नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। इस तरह का हमारा पहले हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इस वाले जो आपका पार्ट आपका जो है सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि क्या होगा इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, हम क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन में क्या किया होगा देखो, उसने बोला है कि चीनी की कीमत को 20% से बढ़ाने पर खर्च में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो बताओ खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। सीधा सीधा बोला है कि कीमत को 20% बढ़ा दिया है लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं चाहता कि खर्च में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो कहता खपत कितनी कम की जाए कि इसके खर्च में कोई, अगर वो पहले 100 रुपये खर्च करता तो अभी भी 100 ही रुपये खर्च करेगा। जो जितनी ट्रिक है ना वो ट्रिक को सबको हटा देना। इधर देखना, अभी देखो, अभी अभी हुआ था आपका एक्सपेंडिचर यानी प्राइस इक्वल टू क्या था आपका, प्राइस हमारा क्या था एक्सपेंस, और अपॉन में कौन था आपका क्वांटिटी, तो क्वांटिटी ए रहा आपका, एक्सपेंस में कोई बदलाव हुआ नहीं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक जो रिलेशन है वो परमानेंट है, वो रिलेशन हर बार के लिए है, एक बार के लिए नहीं है, हर बार के बीच को तो बिल्कुल याद रखना है। जब जब मामला है, जब जब आपका कहता है कि कोई बदलाव नहीं होगा तब तब वहीं करें। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि कीमत आज परसेंटेज हटेगा तो नीचे कौन आएगा 100। ये प्राइस है जनाब, ये क्या है प्राइस, कीमत में बोला इसलिए पी यानी प्राइस, ये क्या आएगा 1/5। वृद्धि हुई है तो हम कहेंगे 5, पहले कितना था, बेस कौन सा आपका 5, हम कहेंगे हमेशा, तो इस एक की क्या हो गई, हम कहेंगे कि कीमत दो पहले 5 थी अब कीमत कितनी हो गई 6, तो इसका मतलब क्वांटिटी पहले जो 6 इकाई हुआ करता था, पहले वो 6 इकाई खाया करता था अब वो 5 इकाई खाने लगा, तो कितने इकाई की कमी हो गई, एक की। हम कहेंगे अगर इसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो कहाँ से निकालते हैं, यानी पुराने से, ये पुराना है ये नया, ये हमारा आरंभिक है और ये जो है वो हमारा कौन सा है, ये हमारा न्यू है, तो हम क्या कहेंगे आएगा ऊपर 50 नीचे आएगा 3, नीचे कौन आएगा आपका 3, माइनस इस बात को बताता है कि इसमें कमी हुई है, क्या आ जाएगा 16 सही 2/3%। अब कईयों के, अच्छा कईयों के दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कीमत इतने से हो गई तो अपना वाला पुराना वाला ट्रिक उन्होंने लगा दिया 20/20 100, मुझे पक्का पता है कईयों ने आपका ये वाला ट्रिक आपने लगा दिया होगा कि 20/20 100। अगर मैं आपसे क्वेश्चन आगे करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ना कहता, मैं ये कहता कि कीमत में तो 20% की वृद्धि हुई है, खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए और पहले 5 किलोग्राम खाया करता था तो अब कितना खाएगा, तो मुझे लगता है कि अब आप अपनी ट्रिक को नहीं लगा सकते, ना ही आपके अंदर और ना ही ट्रिक के अंदर इतनी ताकत है कि इस क्वेश्चन को वो सॉल्व कर पाए। तो एक बात याद रखना, आपको हनु कंसेप्ट लगाना, कुछ नहीं लगाना, बड़ा सिंपल सा मेथड है, ठीक है, इतनी सी बातें आपको याद रखना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ना, आगे बढ़ें, जल्दी करें, ले लिया, हो गई बातें। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही सिंपल एकदम, जिनको स्क्रीनशॉट लेना एक बार फिर मौका है, जल्दी लें, टाइम नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ें, चला जाए, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपके पास क्वेश्चन, एक बार पूरे वीडियो को देखना, फिर आराम से आप पहले एक बार देखना, सारा चीज़ें समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, फिर धीमे धीमे सारी चीज़ें धीमे धीमे फिर उसको नोट करना, नोट करें जो करना आप करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसमें क्या बोला आपसे, फिर से बोला है, क्या बोला है कि 20-25% से कितने से हुआ जनाब इंक्रीज, 25% से इंक्रीज हुआ है, मामला सिंपल सा पंडा है। अब अभी भी बोला है कि एक्सपेंडिचर में इसमें कोई बदलाव ना हो, एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव ना हो तो कंजम्पशन को बढ़ा है कि क्या करें, तो सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल सिंपल सा, कहीं 25% से बढ़ा हुआ है तो हम क्या कहेंगे प्राइस, परसेंटेज हटेगा तो नीचे कौन आएगा आपका 100, ये पी यानी कीमत है भैया, ये पी क्या है प्राइस यानी कीमत, हम क्या कहेंगे 1/4, बेस कहाँ बचता है आपका नीचे, और ये वृद्धि हुई इसलिए प्लस है, इसका मतलब पहले 4 इकाई हुआ करती थी अब एक बढ़ गया तो कितना हो गया, यानी कीमत आपकी पहले 4 इकाई थी अब कितनी हो गई 5, तो क्वांटिटी का मतलब क्या, पहले जो 5 इकाई खाया करता था अब 4 इकाई खाने लगा, कितने की कमी हुई एक की, तो हम कहेंगे परसेंटेज में निकालें इसे तो क्या निकलेगा 1/5 × 100, क्या आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा इस 5 से उड़ेगा कितनी बार उड़ेगा जनाब, तो हम कहेंगे 25% क्या आ जाए, कंजम्पशन को क्या करेगा 25% से क्या करेगा कमी करेगा, यानी खपत में अब 20% की कमी होगी।
इतनी सी बात है, क्लियर है? बिल्कुल सीधा सीधा। अभी आपको लग रहा होगा हम पुराने वाले फंडे से कर सकते हैं 120 20 अपॉन 25% और नीचे 120 into 100। पर एक बात याद रखना, जब लेवल का क्वेश्चन आएगा, अभी आता है ऐसा नहीं अभी नहीं आएगा, अभी आता है, दो तीन मिनट का वेट करें, तीन चार, उसके बाद ये आएगा, तब आपको पता चलेगा कि उसी कैसे हमें करना होगा। ले लिया ना स्क्रीन शॉट आपने? चलो स्क्रीन शॉट लेना नहीं भूलना, नहीं तो बड़ा ठीक है, आराम से बाद में नोट करते रहना जैसा आपको लगे, धीमे धीमे और धीमा आपका जैसा रिस्पांस आएगा ना कि धीमा करो, हम धीमा करते चलेंगे। अब देखें फिर से अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसका टाइप चेंज करें कि एक और क्वेश्चन करें? एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, उसके बाद हम टाइप चेंज करते हैं। जैसे उसने प्राइस को दिया, कितने से दिया? 33 सही 1/3%, तो 3 × 1 कितना आएगा? 99 कितना हो जाएगा? 100। बहुत धीमे धीमे चलेंगे, पता है परसेंटेज हटेगा तो नीचे कौन आ जाएगा आपका? 100। ये 100 पता किसकी वजह से परसेंटेज गायब हुआ? ये 100 से 100 उड़ गया, क्या आएगा? 1/3। उसने बताओ वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? वृद्धि हुई है, कीमत में वृद्धि हुई है तो 1 इकाई। इसका मतलब पहले कीमत कितनी हुआ करती थी? 3 इकाई। अब जो कीमत हो रही है वो आपकी 3 से 1 कितना हो जाएगा? 4। चलो आज कितना आएगा? आज तो कमी हुई है कि वृद्धि? कमी। कितने की? पहले 4 इकाई खाया करता था, अब 3 इकाई, तो हम कहेंगे कितना बनेगा आपका? और ये जो आपका मामला आएगा वो 25% है। इतनी सी बातें हमारी हो गई। हम सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं इस तरह का, आगे आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब देखो इसी में धीमे धीमे हम बढ़ते चलेंगे। कभी कभी वो क्या करता है, क्वेश्चन का रेट देता है कि पहले इस रेट से था अब इस रेट से है, और तब भी वो मामला क्या रहता है, बिल्कुल हु बहू एक्सपेंडिचर आपका जब जब रहेगा तब तक क्वांटिटी प्राइस का क्वांटिटी का। अब आपके अंदर एक बात और आ रही है, कब कब बदलेंगे ऐसा? जब जब बदलेंगे, जब जब उसका एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव ना, हाँ एक्सपेंडिचर में बदलाव होगा तो वो भी बातें हम करते हैं। अभी आते हैं, चलो बहुत सिंपल फंडा है, कुछ होता ही नहीं है। देखें अब देखें इसी के हम क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट, और अब आप देखेंगे हल्का सा क्वेश्चन टाइप अगला आता है, बढ़िया सी सी बातें हैं। देखो क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। अब उसने दिया है प्राइस, अभी भी देखो एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं है, साफ साफ लगा है नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, फाइंड द इंपैक्ट ऑन कंजम्पशन ऑफ प्राइस। ठीक है, अब देखते हैं पहले इसका रेट हुआ था 5 रुपीज़ पर किलोग्राम, अब कितना हो गया? 4। तो हम क्या करें, सिंपल सा फंडा, अभी भी वही बात है हमारी कि हम कहें प्राइस इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर, और अपन में क्या करूँ तो एक्सपेंडिचर में इसको बदलाव नहीं, फिर से वही मामला हम बनाएंगे कि प्राइस का और इसका जो संबंध होगा वो कुछ ऐसे होगा, सिंपल सा। अब की बार आपको प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया है प्राइस, फिर से वही का मामला कि आपको आपकी अब की बार रेट आपको दिया हुआ है, यानी कि उसकी रेट कितना हुआ, अब वृद्धि हुई ये हुआ तो दिया है तो क्या प्रॉब्लम है? पहले आपका कितना था 5 रुपीज़, अब कितना हो गया 4। इसी तरह का क्वेश्चन है, सिंपल है, ये आएगा आपका 4, ये कितना आएगा 5। तो पहले आप 4 इकाई खाया करते थे, 5 इकाई, कितने की वृद्धि हुई? 1 की, तो प्लस आएगा तो 1/4 और इनटू क्या आ जाएगा आपका, हम क्या कहेंगे, यानी 25%। उल्टा क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन इसी का उल्टा, कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल कि आप कहोगे कि बहुत ही सिंपल, बड़ा सिंपल। ठीक है, प्रॉब्लम ना आए, देखते रहना आज उड़ा दे से, दिख रहा है ना साफ साफ एकदम, थोड़ा अगर कुछ प्रॉब्लम हो ना तो धीमे धीमे सब हट जाएगा। अभी क्या होता है ना, जैसे अभी चीन शुरुआत में होती है तो कुछ अलग होती है, धीमे धीमे सब हट जाएगा। और इतनी बढ़िया बढ़िया व्यापम वालों के लिए अलग से फोल्डर बनाएंगे, व्यापम का टेस्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, अंदाजा नहीं लगा, जो तुम्हें कहीं भी कुछ कोई नहीं देगा ना वो चीज़ें मिलेंगी, आप अंदाजा नहीं लगा, सबको भूल जाओगे, पता है एक ही चीज़ याद रखोगे बस, हनु कंसेप्ट, कुछ भी याद नहीं रखने वाला, देखना आप धीमे धीमे सब एक ही बात याद रहेगी। अच्छा इसी का तो आगे से इस वाले को टाइप को और करना है क्या, और इसी को और करना हो आपको तो बताएं, और नहीं तो फिर टाइप चेंज करें। अब आप बता कैसे पाओगे, नहीं बता पाओगे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी मन की बात समझ गया, आप मेरी बात समझ गए। देखते हैं क्वेश्चन और लेते हैं, पहले इसका अगले में देखें, पहले इसका जो कीमत था वो कितना था आपका, पहले 3 था, अब कितना हो गया 4 हो गया। क्वांटिटी की बात करें तो पहले कितना था आपका 4 था, अब कितना 3, कितने की कमी हो गई 1 की, तो 1/4 और इनटू क्या जाएगा, अब की बार मामला उल्टा हो गया और क्या हो जाएगा जनाब, यानी 25% से हम क्या कर देंगे कमी, नीचे तीर का मतलब यही होता है 25% से हम कमी, क्योंकि पहले उसका रेट दिया 3 रुपये प्रति किलोग्राम, अब कितना दिया 4 रुपये प्रति किलोग्राम, तो आपको सब कुछ तो बोला है नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, इसलिए बदल जाता है। अब आते हैं अब तक जो देखा तब तक तो तुम्हारी ट्रिक लग जाती थी, अब जो देखने वाले हैं वहाँ शायद तुम्हारी ट्रिक शायद ठीक है, क्या बोलेगी हिल रही, तो हम देखते हैं क्वेश्चन पर, बेहतरीन क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना है, हो गया चलो चलो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे, अगले क्वेश्चन में आप देखोगे स्पष्ट दिया है
आ जाए, अब चीज़ों की हमें ज़रूरत धीमे धीमे पड़ने लगेगी, और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों को हम स्टार्ट लेंगे, बाकी हम डायरेक्ट वाला स्टार्ट लेंगे। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर की क्या होता है आपका हिसाब से देख रहा, प्राइस दे रहा, ए क्या रहा आपका क्वांटिटी, सिंपल सा फंडा, सिंपल सा बहुत ही सिंपल चीज़ है। उसने बोला है कि इसकी कीमत में 33.1% की वृद्धि हो जाती है, दिया हुआ है, और कहता है खपत में 12.1% की वृद्धि हो जाती है। खपत में, खपत क्या होता है क्वांटिटी, खपत का मतलब क्वांटिटी, कुछ तो खाओगे, हवा पानी तो खाओगे नहीं, कुछ तो खाओगे, उसमें 12.1% की वृद्धि हो जाती है। और कीमत में कितने की वृद्धि हो जाती है आपकी, 33.1% की। तो कहता है बताओ एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बेस हमेशा नीचे रहता है, जो कुछ नहीं होता वो सौ होता है। अब देखते हैं प्राइस, प्राइस के बारे में आपको दिया है कि 33.1%, इसका मतलब क्या है, कितना आएगा 100, और नीचे कौन आ जाएगा 3% गायब होगा, तो क्या आ जाएगा मामला, ये 100 से 100 गया और 1/3 कितना आ गया 3, प्लस किस बात को बताता है, वृद्धि हुई है। क्वांटिटी की बात करें तो 12.5% का मतलब क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, पता है कई बार क्या होता है इन छोटी छोटी बातों पर हम बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे डालते हैं, बेफालतू में आपका टाइम छोटी, इसलिए अभी भी बात होगी मेरी बात, मेरा वीडियो बाकी वीडियो में आपको डिफरेंस देगा, हम इस तरह की वीडियो पर बहुत छोटे छोटे बहुत आराम से चलने का प्रोग्राम नहीं है, तेज होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। कई लोग आराम से इसमें दो 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 तीन तीन लेक्चर निकाल दिया, हमें वो सब नहीं करना है, समझ रहे हो, हमें मुद्दे की बात पर आना है, इन चीज़ों पर नहीं फंसाना है मुझे, मुझे आपको ले जाना है जहाँ अप्रोच वो होती है। आ जा तो 12 × 24 और 1 = 25, यानी 25 बटे नीचे कौन आ जाएगा आपका 2, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे कौन आएगा 100। इतनी बातें बस आपको याद रखना है, इसका मतलब क्या है 1/8, और आपका अगर उसकी कीमत में या फिर आपकी क्वांटिटी में वृद्धि हुई तो प्लस होगा, और यदि वृद्धि नहीं हुई है तो आपका माइनस होगा, कमी हुए तो माइनस होगा। इसका मतलब देखें एक्सपेंडिचर के बारे में बोला है, अब देखें दोबारा फिर देखें 33.1% की वृद्धि हुई है, तो हम कहेंगे किस में हुई है, कीमत में, कीमत पहले कितनी थी आपकी 3 इकाई, और 3 से 1 वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई है फाइनल 4, क्लियर। अब उसने बोला हुआ है क्वांटिटी की बात करें, पहले 8 इकाई हुआ करती थी, 1 इकाई की वृद्धि हो गई तो 8 से कितना हो गया, हम 8 से कितना कहेंगे 9। अब आते हैं इधर कि बताओ एक्सपेंडिचर, अब आप कहोगे एक्सपेंडिचर के बारे में तो कुछ नहीं दिया, जो कुछ नहीं होता अगर उसकी एक्सपेंडिचर का अगर कोई मान लो 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये दिया होता तो हमने नीचे 300 रुपये, 2 रुपये, और अगर परसेंटेज में आपसे पूछा कुछ नहीं दिया होता, बेस हमेशा कहाँ आता है नीचे, और नीचे कितना हो जाए 100, इसके बारे में हमें नहीं पता, हम उड़ा देंगे इससे 300 उड़ाएंगे, कितनी बार उड़ेगा 3, 3, 9, 4, 2, 8, इस 2 से इस 100 को उड़ा दिया, क्या हो जाएगा 50, एन का मान क्या आएगा 50, 50 × 3 कितना हो गया 150। क्या देखें पहले 100 इकाई था, n की वैल्यू कितनी हो गई 150, यानी कितने की वृद्धि, खर्च में कितने की वृद्धि हो गई 50% की, खर्च में आपका 50% की वृद्धि हुआ है। इतनी सी बातें आपको याद रखना है, तो पहली तरह का क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। अब देखें इसी के भी तो और भी टाइप है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टाइप है, इसमें बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में इसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्या ये बात एकदम क्लियर है कि क्या है क्या नहीं। अगर एक्सपेंडिचर की बात किया तो एक्सपेंडिचर इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ेगा, कई बार ये भी बोलेगा आपसे कि एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई है 10% से, प्राइस में भी वृद्धि हुई है, पहले इतना खाया करता था अब कितना खाएगा, तो आपको किसी ट्रिक की याद, एक बात याद रखना, आप सारा लेक्चर सारा वीडियो देखना, आपको ये चीज बिल्कुल अलग लगेगी, एकदम अलग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट हो गया, ले लिया, नोट करना, नोट करें, ज़्यादा टाइम नहीं देना है नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लो, फास्ट रहना है, फास्ट फास्ट समझते हो ना, ठीक है, जो फास्ट होता है वो 3 साल में नहीं 1 साल में सिलेक्शन लेता है, और जो पता आराम से चलता है ना वो 3 साल में लेता है, पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी हमको, ठीक है, तेज रहना तेज। चलो आ जाओ, ठीक है, दो चार होगा वो कहेगा तेज है, तेज नहीं है, अब पेपर के लिए तुम्हें तेज होना पड़ेगा, पहले जियो देखा है ना, बहुत सारी चीज़ें, पहले नेट आराम से चलता था, नेट जो तेज चला तो दुनिया तेज की तरफ भागी, आगे चलकर लाइफ आएगा और तेज आ जाएगा, दुनिया पता और भागेगी, तुमको भी तेज रहना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या कहता है जनाब, प्राइस फिर से बोला एक्सपेंडिचर ही रहा ये आपका, और ये आपका क्या रहा प्राइस, और ये क्या है आपका क्वांटिटी, हिंदी यहाँ देखते हैं। उसने बोला हुआ है कि कीमत में कितने से वृद्धि कर दी 33.3% है, तो हम 33.3% को आप तो लिख सकते हैं ना कि 33.1% को हम लिख सकते हैं, 1/3 वृद्धि किया तो प्लस आ जाएगा। अब देखें फिर से आगे बोला है कि उसका खपत में कितने प्रतिशत के, खपत को क्या कर दिया उसकी बात कम कर दिया, चलो कोई नहीं, कम कितना किया 16.2/3%,
तो इसको हम करेंगे कमी है, याद रखना 16 थी 48 से 2 50, 50 बटे कितना आ जाएगा आपका 3, परसेंटेज गायब होगा, नीचे कौन आएगा आपका 100, 50 छोड़ेगा 50, 6 2 3 2 6 1/6 पर याद रहे माइनस, माइनस इस बात को बताता है किसकी खपत, खपत में क्या हुआ जनाब कमी कितने प्रतिशत की। हाँ अब कहता क्या है एक्सपेंडिचर में क्या होगा, तो हम कहेंगे एक्सपेंडिचर का हमें नहीं पता, पर पहले 3 इकाई हुआ करती थी, देखो कीमत फिर से बेस हमेशा कहाँ बचता है नीचे, 3 से 1 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 4। अब देखो पहले आपका 6 इकाई हुआ करता था, याद आ रहा है समझ में आ रहा है ना, पहले आपका कितना इकाई हुआ करता था, पहले आपका 6 इकाई हुआ करता था, एक की कमी हो गई, एक की कमी हुई तो जनाब क्या होगा 6 से रह गया कितना खाली 5। हम इसकी बात करें एक्सपेंडिचर की, तो ये आपका रहा आपका 100, और 100 से हमें नहीं पता कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, 100 से जितना अधिक होगा उड़ा दे कि नहीं उड़ाए जना, उड़ा दे, दो दूनी दो ती आ जाओ। अब ये मामला इधर बनेगा, देखो 3 × 3 कितना आ जाएगा 9, ये 9 इधर रहेगा ये 100 रहेगा, 2 × 5 कितना आ जाएगा 10, इधर कुल मिला के कितना आ जाएगा 1000, ये 3 × 3 कितना आएगा 9, यानी कितना आ जाएगा 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 9,
खर्च में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब बताओ इतनी सी बातों में कहाँ प्रॉब्लम है, जरा सी प्रॉब्लम हो ना तो बताओ, जरा सी इतनी सी प्रॉब्लम हो तो बताओ, बिल्कुल दिल खोल के बताओ, टेंशन टूंशन वाली कोई बात नहीं है, बताओ। इसी का देखो नेक्स्ट है, क्लियर है ना बात एकदम, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लिया, ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया स्क्रीन शॉट वो स्क्रीन शॉट लें और जल्दी से हम आगे बढ़ें, ठीक है। चलो अच्छा अब देखते हैं ये वाला जो टाइप है ना इस तरह का, फिर इसके बाद हम अच्छी अच्छी बातों पर बात करेंगे, पहले इनको बहुत अच्छे तरीके से देखना, एक एक चीज़ें, जितना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा उतनी बेहतरीन वीडियो आपका आएगा और इतना बहुत ही शानदार बहुत आराम से सारी चीज़ें क्लियर होंगी हमारी, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट टाइप हम करते हैं अब एक्सपेंडिचर में देखते हैं, उसने बोला हुआ है, फिर से देखें फिक्स है वही मामला आपका कि एक्सपेंडिचर आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर आपको क्या करना है, ये क्या होता है प्राइस और इनटू क्या होता है क्वांटिटी, फिक्स है सब कुछ फिक्स है। देखें उसने बोला है कि प्राइस को हम 50% से इंक्रीज करते हैं, ठीक है, प्राइस को एक्सपेंडिचर को 20% से इंक्रीज करते हैं तो कंजम्पशन में क्या होगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि खपत में क्या होगा, अब की बार उसने क्या कर दिया कि 50 कीमत में 50% की वृद्धि की और खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए तो वो पूछता है तो बताएं कि बताओ इसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब कुछ फिक्स है, करने दो जो कर रहा है उसे कितने प्रतिशत की, देखो खर्च में कितना 20% खर्च हमारा ये है तो हम क्या कहेंगे 20% से अगर आपका दिया वैसे डायरेक्ट कर सकते हो। अच्छा किसकी दिमाग में और भी चीज़ें आ रही हैं मैं आपको बताता हूँ, पहले कितना था ये 100, अब कितना हो गया खर्च में 20, कीमत पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 150, यहाँ हमारा खपत में क्या था पहले परसेंटेज में है तो परसेंटेज आएगा, क्या दिया आपका परसेंटेज, पहले कितना था आपका 100, अब नहीं पता। अच्छा आप कईयों के दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा पक्का 100%, अभी भी प्रतिशत दिया था तब बदला था, 50 दिया था तब भी बदला था, अब की बार डायरेक्ट कर दिया, जब जब चीज़ें फ्रैक्शन में हो ना तब उसे बदलें, जैसे 30% दिया वृद्धि तो 100 से 130 कर दो बात खत्म। इसी को जब हम निकालेंगे तो आपके अंदर दिमाग में ये चल रहा होगा एक्सपेंडिचर, इधर देखो कि 20 अपॉन क्या परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, क्या आएगा 1/5 आएगा, आपका 5 से कितना होगा 6, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तब भी आपको वही मिलेगा, देखो 20, 20, 5, 100, 20 है, क्या बताओ 5 से 6 हुआ है कि नहीं, एक्सपेंडिचर की बात करें तो क्या 5 से कितना हुआ है, क्या 5 से क्या 1 बढ़ जाएगा 6 होगा। असल में क्या होता है जब 16 सही 2/3 वाला मामला दिया हो तब हम डायरेक्ट नहीं रख सकते क्योंकि फिर तो 100 से 116 सही 2/3 तो वो चीज़ें उलझ सकती हैं, लेकिन जब आपको सीधे आंकड़े दिए हो ना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना ये बात, क्लियर है कि नहीं, क्यों हम चाहते तो देखो रेशियो ही होता और वो रेशियो यहाँ पर दिख रहा है, क्लियर है बात है ना। अब आते देखो इस 100 से 100 को उड़ा दिया मैंने, ये 50 उड़ेगा 3 बार, ये 50 उड़ेगा कितनी बार 2 बार, इस 3 से इसको उड़ा दिया कितनी बार 4, ये मामला कितना आ गया जना 4 × 2 कितना आ गया 80%। इसका मतलब क्या है कि उसने बोला है इधर देखें कि कीमत में वृद्धि खपत में कीमत में वृद्धि 50%, ये भी बढ़ गया तो इसको क्या करेगा, तो इसका 80 रह गया तो इसका मतलब कितना 20% से इसको कम कर देगा, खपत में कितनी उसने पूछा है ना खपत में क्या करेगा तो खपत को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम कहेंगे खपत में ही करेगा 20% की कमी पड़ेगा क्योंकि अब 80% रह गया, इनकी वैल्यू कितना आ गया 100। इसी का देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी इसका स्क्रीन शॉट लो और आगे बढ़े। आप ये बोल रहे हो ना जल्दी जल्दी कर रहा है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन इसका रह गया है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, एक आग लगाने वाला क्वेश्चन, देखें कैसे
बताते हैं अभी हम इसे पता है वीडियो थोड़ा सा दो पांच मिनट ऊपर हो सकता है बजे, क्योंकि ये जो अगर इसको हमने छोड़ दिया तो इसका जो इम्पैक्ट जो प्रभाव है वो प्रभाव अप्रभावी हो जाएगा, इसलिए इसमें हम मजबूर हैं कि इसको थोड़ा सा लंबा चला जाए तो प्रॉब्लम उसकी वजह, क्योंकि रियल प्रभाव जो देखने वाले हैं ना आपको कहां से बाकी में है, तो इसका जो अब निचोड़ निकलने वाला है बहुत बेहतरीन निचोड़ निकलेगा। देखते हैं हमने देखा ये सारी बातें क्लियर कर लें, कहीं कोई समस्या कोई संकट हो तो हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ देखो सब दिख रहा है मुझे, टेंशन मत लें, तुम सोच रहे हो यूट्यूब पे कैसे देखेगा हाथ खड़े करेंगे, सब दिखता है पता है यहाँ से, मन की आँख ठीक है, मन की आँखों समझ जाते हैं आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, बढ़िया खाना पीना खा रहे चाय चू पीते रहें बढ़िया आराम से, और चाहे को सीधे समझ में आए पॉज करें रोकें चाय पिए फिर दोबारा फिर पढ़ें। अब आ जाए इधर आ गए, अब की बार क्वेश्चन में क्या करेगा उसने, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, पर क्वेश्चन में एक समस्या है कि क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब क्वेश्चन में कोई समस्या ना हो तो वो सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, क्यों? अब आप देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ कह रहा है, आप इसे सुने समझें और सोचें, ये हमारी शीट है पता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, करोड़ों क्वेश्चन है, इसमें बहुत क्वेश्चन है, बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी आप देख पा रहे हो, आपने देखा क्वेश्चन बहुत वैरायटी क्वेश्चन है। आप देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, उसने बोला है कि इसकी कीमत को 32% से वृद्धि कर दें, कीमत को 32% से वृद्धि कर दें, और फिर उसने बोला है आगे चल के बोला है कि खर्च तो बढ़े 10% खर्च बढ़े, कीमत को 32% की वृद्धि कर देने से खर्च में 10% का कितने क्या हो, खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, यदि यह व्यक्ति पहले 10 किलोग्राम खाया करता था तो अब कितने किलोग्राम खाएगा। क्वेश्चन को फिर समझें, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा पकड़ में नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन को क्लियर कर रहा हूं दोबारा सुने, उसने बोला है किसकी कीमत में 32% की वृद्धि होने से खर्च में 10% की वृद्धि हो, यदि यह व्यक्ति पहले 10 किलोग्राम खाया करता था तो अब यह व्यक्ति कितना खाता है। अभी भी वही, आप विश्वास मानो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपकी सांसें फूल जाएंगी, आत्मा बाहर निकल आएगी, लेकिन अगर आपने HC लगाया है तो ना तो सांसें फूलेंगी और ना ही आत्मा बाहर निकलेंगी, सांसें उनकी फूलेंगी जो इस तरीके से नहीं कराते, बस एक बात याद रखना। आ जाओ कितने का हो जाए, पहले 100 था, पहले कितना था, अपने पे कह रहे तो बार बार पता है, अब देखें कितने की वृद्धि हो गई जनाब, खर्च में 10% की, कीमत पहले क्या हुआ करती थी हमारी 100, अब क्या हो गई जनाब कीमत 132%, हम कितना खाया करते थे पहले क्वांटिटी 10 किलोग्राम, अब हमें नहीं पता, सिंपल सा फंडा बता, इसमें है क्या, समझ रहे हो कि नहीं, खर्च में वृद्धि हो 10% की, क्यों, कीमत में वृद्धि हो गई है आपकी 32% से, खर्च में भी वृद्धि हो कितने की 10% से, कहता है अगर ये पहले 10 किलोग्राम खाया करता था तो अब कितना खाएगा, अगर वो इसी में कह देता अभी ये 10 किलोग्राम खाता है तो पहले कितना खाया करता था तो हम अभी का होता तो ये ऊपर लेते, बीस हमेशा यहाँ रहता है, तो आप देखें 100 से 100 उड़ रहा है, दिख रहा है नहीं उड़ रहा, उड़ रहा है, और उड़ रहा है कोई, और उड़ेगा 4 से 2 से 2 5 10, और उड़ेगा 2 से 2 6 12 कुछ, और उड़ेगा कोई 2 6 12 उड़ेगा 11 1 कम 11 11 6 66, आ जाओ ये कितना आ जाएगा, यानी n बराबर आपका क्या आ जाएगा, n बराबर आपका 50 और नीचे कौन आएगा 6, तो हम क्या करेंगे अब 200 उड़ेगा ये 25 होगा, ये 3 होगा, 3 8 24 8 सही 1/3% का मामला आपका बनेगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात समझ में आ रही है कि इसमें क्या दिया क्या नहीं दिया, क्या समझ में आया किस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। और इस चैनल को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रभावी बातें होंगी और होती जाएंगी अगले पार्ट में, ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।